पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्या का मुख्य आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज अमृतसर कोर्ट में पेश किया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई की सुनवाई के लिए कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। जानकारी के मुताबिक मेडिकल कराने के बाद लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अमृतसर पुलिस की कोशिश होगी कि वो लॉरेंस की रिमांड एक बार फिर से हासिल कर सके। इससे पहले राणा कंडोवालिया मर्डर केस के सिलसिले में लॉरेंस बिश्नोई को रविवार को स्टेट ऑपरेशन सेल में लाया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डीसीपी परमिंदर एस भंडाल ने बताया कि राणा कंडोवालिया मर्डर केस को लेकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रविवार को पहले स्टेट ऑपरेशन सेल में लाया जाएगा। इसके बाद उसका मेडिकल चेकअप होगा, फिर उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि राणा कंडोवालिया मर्डर केस में बिश्नोई को 11 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पंजाब पुलिस को 14 जून को सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के मामले में बिश्नोई को अरेस्ट करने की इजाजत दी थी। कोर्ट ने पंजाब पुलिस के ट्रांजिट एप्लीकेशन को भी स्वीकार कर लिया था और पुलिस को यह सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया था कि आरोपी लॉरेंस का मेडिकल चेकअप दिल्ली छोड़ने से पहले अच्छे से किया जाए और मानसा के सीजेएम की संबंधित अदालत के सामने पेशी से पहले भी कानून के मुताबिक ही किया जाए। पंजाब के मानसा जिले में 29 मई को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आपको बता दें, इससे पहले काला हिरण के शिकार के मामले में एक्टर सलमान खान का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने दावा किया था कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जान से मारने की धमकी दी है। इसके बाद पुलिस ने हस्तिमल सारस्वत यानी कि सलमान खान के वकील को मिले धमकी भरे लेटर की सत्यता की जाँच भी की थी। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।